हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों यूँ तो अब तक मैं काफ़ी सारे ब्रोकर एप्लीकेशन का रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन अभी दोस्तों डिमांड आई है कि फिनोसिया कंपनी के बारे में बताइए। तो फिनोसिया कंपनी दोस्तों इसके काफ़ी सारे ब्रांड हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन है शून्य। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अगर आप इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं, फिर इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज हैं वो भी है शून्य। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो यह एप्लीकेशन कोई भी कमीशन नहीं लेता है, नो कमीशन एप्लीकेशन है। और इसके अंदर कुछ अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन दोस्तों वो पेड है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बनी रहे बिल्कुल एंड तक। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में जाना है। तो दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 2009 में मोहाली पंजाब में हुई थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस कंपनी पर ट्रस्ट बन सकता है, क्योंकि यह कंपनी एकदम न्यू नहीं है, थोड़ी सी तो ओल्ड है। अब दोस्तों अगर आप सुनने में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन भी है जो कि आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं, साथ ही आप इसको वेबसाइट पर भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे, तो अकाउंट ओपनिंग निल है, मतलब कि फ्री है। अगर आप AMC चार्ज जानना चाहें तो दोस्तों AMC चार्ज भी इसके अंदर बिल्कुल जीरो है, मतलब अकाउंट ओपनिंग चार्ज और AMC चार्ज की तो यहाँ पर छुट्टी है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें आपको प्रोडक्ट मिलती है, इक्विटी, ठीक है, कमोडिटी, करेंसी और दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन। और दोस्तों इसके अंदर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक टूल मिलता है जिनकी दोस्तों AI बेस्ड है, तो यह 1500 से प्लस स्टॉक को प्रेडिक्ट करके बताता है। तो इसका यूज या फिर इसका बेनिफिट लेती है नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर। तो दोस्तों इसका यहाँ पर एक चार्ज है जो कि 799 है, लेकिन 30 दिन तक आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इनका रेफर एंड अर्न प्रोग्राम देखें, तो इसमें भी उतनी ज़्यादा दम नहीं है। तो अगर ब्रोकरेज को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा दोस्तों जो चार्ज होते हैं तो वो लगती है, कहीं ना कहीं थोड़े से कम लगते हैं, लेकिन दोस्तों लगते तो है। अगर आप इनका प्लेज और अनप्लेज का दोस्तों देखें, तो यहाँ पर भी ये 20-20 रुपये ले रहे हैं। और हम दोस्तों इसका यहाँ पर एक कैलकुलेटर भी देखेंगे, लेकिन अभी हम स्क्रीन पर चलते हैं तो वहाँ पर और भी चीज़ हम डीप में समझेंगे। तो अगर आप इक्विटी में डिलीवरी में करेंगे तो दोस्तों कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। अभी इंट्राडे का भी हम देखेंगे, तो मान लीजिए बाई प्राइज हमारा 52 रुपये है, सेल प्राइज हमारा 54 रुपये, क्वान्टिटी हमने 50 खरीदी है। NSE के अंदर कैलकुलेटर नाव पर करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज कुछ नहीं लग रहा है, बाकी के जो चार्ज हैं तो दोस्तों वो गवर्नमेंट को जाते हैं, तो वो तो यहाँ पर लगेंगे और वो दोस्तों सारी डीमैट अकाउंट के अंदर लगती हैं। BSE के अंदर करेंगे तब भी दोस्तों यही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर चार्जेज, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट के चार्जेज अगर आप देखना चाहें, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों हमें इतना ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ब्रोकरेज चार्ज के अलावा और सारे चार्जेस यहाँ पर लगती है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको इंट्राडे में दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे में भी मान लीजिए कि हमने 80 रुपये का स्टॉक खरीदा, 85 पे सेल कर दिया, क्वांटिटी हमने 50 रखी, ये कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मात्र 1.40 रुपये लग रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी एक बार इसका यूज करके देख लेते हैं। चलो फ्यूचर में देख लेते हैं, 58 का हमने खरीदा, 60 का सेल किया, क्वांटिटी हमारे पास थी 50, ठीक है। ब्रोकरेज कितना लग रहा है, ब्रोकरेज दोस्तों इतना लग रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन में भी दोस्तों देख लेते हैं, सेम यही है, सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 5.20 रुपये लग रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हम करेंसी में भी देख लेते हैं, ये तो करेंसी में 60 रुपये का हमने खरीदा और 63 रुपये का बेचा, क्वांटिटी हम 20 मान लेते हैं, ठीक है, 50 ही मान लेते हैं, क्योंकि अब तक हम 50 मानते हुए आए हैं। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें 2 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, आप ब्रोकरेज चार्ज पर ध्यान दें, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर कम्युनिटी में देखते हैं, 52 रुपये का हमने खरीदा, 54 रुपये का हमने बेचा, क्वांटिटी हमने 50 रखी, कैलकुलेट नाउ। दोस्तों यहाँ पर भी कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, बाकी के चार्ज लग के आपका इतना होता है, ठीक है। ऑप्शन कम्युनिटी में देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इतना चार्ज लग रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी के चार्ज दोस्तों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब देखो दोस्तों, आपको अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है, तो इसको तो यहाँ से मैं स्टॉप कर दूंगा। अब दोस्तों हम इनके कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से कमेंट पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इसको ख़राब बोले हैं, कुछ लोग इसको अच्छा बोलेंगे,
ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ से सारे कमेंट पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हैं इसकी सर्विस कैसी है। अगर आपको इसकी सर्विस अच्छी लगती है तो दोस्तों आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा इसमें दोस्तों अकाउंट नहीं है क्योंकि मैंने यूँ तो दोस्तों काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं ब्रोकर, लेकिन मैं सिर्फ एंजल वन को यूज करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट पढ़ सकते हैं, तो कमेंट पढ़ के ही आप इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि मुझे इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।